अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शर्जील। और दोस्तों, अभी टेक्नो स्पार्क से आप लोगों ने देखा काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग डिवाइस आई थी टेक्नो की तरफ से, लेकिन अब टेक्नो स्पार्क से इसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैमन 16 को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे टेक्नो जो है वो पोवा सीरीज़ को लॉन्च करने वाला है पाकिस्तान के अंदर, और ये सीरीज़ टेक्नो की तरफ से पहले लॉन्च नहीं की गई थी, ये फर्स्ट टाइम लॉन्च की जा रही है। और यहाँ पे सबसे पहला मॉडल जो इस सीरीज़ का होने वाला है उसका नाम होगा टेक्नो पोवा, जस्ट सिंपल टेक्नो पोवा। लेकिन स्मार्टफोन की जो इंटरनल्स हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया टेक्नो ने, जबकि डिज़ाइन भी काफ़ी तक बेहतर बनाया है। और यहाँ पे यही वजह है कि इस मोबाइल फ़ोन की जो हाइप है मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा बनने वाली है। टेक्नो स्पार्क 6 से भी ज़्यादा अच्छी डिवाइस होने वाली है, ये बात मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब स्मार्टफोन तो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा, लेकिन अगर बात की जाए इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पे इंटरनल्स यहाँ पे काफ़ी हद तक सॉलिड बनाए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपको हाईलाइट होती हुई नज़र आएगी वो है G80 का एक पावरफुल प्रोसेसर। ये G70 के मुकाबले में थोड़ा सा इम्प्रूव प्रोसेसर है, और यहाँ पे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक अच्छा मिलने वाला है। अब ये प्रोसेसर हमने पहले रेडमी 9 के अंदर देखा, इसके अलावा रियलमी 6i के अंदर भी देखा, और वहाँ पर भी इस प्रोसेसर ने काफ़ी हद तक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करी थी। और आई थिंक जिस सेगमेंट के अंदर टेक्नो पोवा को लॉन्च किया जाएगा उस सेगमेंट के अंदर जो ये प्रोसेसर है वो आई थिंक काफ़ी हद तक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि साथ में आपको 6GB की रैम मिलने वाली है और साथ में 128GB की स्टोरेज मिलने वाली है। और आई थिंक अगर इसके साथ इस तरह का वेरिएंट लॉन्च होता है तो ये एक गेम चेंजर डिवाइस हो जाएगी, क्योंकि अभी G80 के साथ जो भी डिवाइसेस हमें मिलती हैं वो या तो 4/64 की मिल रही हैं, 3/32 की मिल रही है, या फिर 4/128 की मिल रही है। 6/128 की तो एटलीस्ट आपको नहीं मिल रही मार्केट के अंदर। बाय द वे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। आज की वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक का है, उम्मीद है आप लोग पूरा कर देंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर देगा। जबकि यहाँ पे बैटरी की साइड भी काफ़ी तक इंप्रेसिव लग रही है, यहाँ पे 6000mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे जब भी 6000mAh की बैटरी इस्तेमाल होती है तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि इसको चार्ज करने में बहुत टाइम लगने वाला है एज़ कम्पेयर टू 5000mAh, लेकिन यहाँ पे आई थिंक टाइम जो है वो काफ़ी तक कम लगेगा, क्योंकि साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग की भी सपोर्ट मिलने वाली है। और फास्ट चार्जिंग की वजह से यहाँ पे चार्जिंग टाइम के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन से रिलेटेड के चार्जिंग टाइम कितना होगा, स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप टाइम कितना होगा, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बारी बारी जब इस मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में इसका रिव्यू करेंगे। तो अगर आप टेक्नो पोवा से रिलेटेड मजीद वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दें। अब वैसे ओवरऑल कैमरे की साइड से देखा जाए तो इस मोबाइल फोन का कैमरा बस एवरेज होने वाला है, लेकिन यहाँ पे कैमरा बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं होने वाला, यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी हद तक डिसेंट आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 13MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा आपको रियर साइड के ऊपर, जबकि सेल्फी कैमरा यहाँ पे आपको 8MP का देखने को मिलेगा पंच होल फॉर्म के अंदर। इसके अलावा डिस्प्ले की साइड से ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा सिमिलर है टेक्नो स्पार्क से इसके मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है वो है 6.8 inches का, सेम आपको 720p की रेजोल्यूशन मिलती है और सेम आपको पंच होल डिस्प्ले डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होने वाला है स्पार्क सिस के मुकाबले में, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि स्पार्क सिस का भी जो डिस्प्ले था वो काफ़ी हद तक अच्छा था, गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा आता था और वहाँ पर वीडियो एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। और आई होप सो यहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। जबकि ओवरऑल स्मार्टफोन को देखा जाए तो स्मार्टफोन आई थिंक काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव है, यहाँ पे डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक यूनिक सा इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह का डिज़ाइन आई डोंट थिंक सो कि आपने आज तक पहले कभी देखा होगा बजट सेगमेंट के अंदर। और बाय द वे दोस्तों, से बात कर ली जाए लॉन्च डेट की और प्राइसिंग की, तो इसका जो लॉन्च है वो मिड ऑफ अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, और आप इस डिवाइस को 14 अक्टूबर के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी अनबॉक्सिंग भी अपलोड हो जाएगी। और बात की जाए प्राइसिंग की, तो इस मोबाइल फ़ोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो तकरीबन 24 से 25 हज़ार के दरमियान की है, और आई थिंक अगर इस रेंज के अंदर ये डिवाइस लॉन्च होती है तो डेफिनेटली आपको लोकल मार्केट के अंदर डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। और आई थिंक इतनी ज़्यादा हैवी स्पेसिफिकेशन के साथ ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्केट को रूल करेगी। अब लेकिन देखते हैं इस मोबाइल फ़ोन के एक्चुअल में क्या रिजल्ट रहते हैं इसके लॉन्च के बाद। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, आप एक्साइटेड हैं या फिर नहीं मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएगा। आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक टारगेट पूरा करना मत भूलिएगा, जो कि है 500 लाइक का, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज शर्जील साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।